हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर फ्लिपकार्ट डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको क्या करना है। पर उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम गीता और आप देख रहे हैं टेक्निकल गीता यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है फ्लिपकार्ट। जैसे आप फ्लिपकार्ट को सर्च करते कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हो तो ये डाउनलोड ही नहीं होता, वेटिंग में आता रहता है। तो उसके लिए आपको पहले एक सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम बैक करते हैं तो यहाँ आपको सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाना है, सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, गूगल प्ले स्टोर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्लियर डाटा का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑल क्लियर डाटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जब आपकी ये सेटिंग आ जाए फिर आपको प्ले स्टोर में जाना है, फिर प्ले स्टोर को ओपन करना है, दोबारा आपको सर्च करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लिपकार्ट ऐप। उसके बाद फिर वही इंटरफेस आ गया और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो जैसे कि मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया था और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया और इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आप इस तरह फ्लिपकार्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।